तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। अच्छा जी, तो उम्मे बताने लगी कि उम्मे को ईद किस किसने दी, उम्मे बताओ। मेरे मामू ने मुझे दी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक बहुत बहुत, मेरे सारी बहन भाई फ्रेंड्स सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो अभी सबसे पहले सुबह उठी हूँ, अभी 6:30 का टाइम हुआ है सुबह। सबसे पहले उठ के तो अपने प्यारों से मिलने जा रही हूँ, अपने अम्मी अब्बू से मिलने जा रही हूँ ईद वाले दिन। अभी कब्रिस्तान से अम्मी अब्बू को मिल के घर आऊँगी और फिर आप लोगों के साथ अपनी बाकी जो ईद है वो शेयर करूँगी। तो कहते हैं कि जब खुशी में सबको शेयर करते हैं तो अपने गम में भी सबको शेयर करना चाहिए। तो अम्मी अब्बू की कब्र पे जा रही थी तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी साथ साथ लेके जाऊं। खाला भी पीछे आ रही हैं और बाजी और उम्मे जो है वो आगे चली गई हैं। ये लाइन इसको क्रॉस करेंगे तो मेरे अम्मी अब्बू का घर आ जाएगा। आपको दिखाती हूँ अभी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतना प्यारा मौसम हुआ है और साइड पे जो एरिया होते हैं वहाँ पे आने का ना सुबह सुबह अपना ही मज़ा होता है। तो बहुत ही प्यारा मौसम है। अच्छी लाइन की पटरी देखें जी। ये जी कब्रिस्तान, सुबह सुबह का टाइम है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अहले कब्र। अबू की कब्र तो शुरू में ही है और अम्मी की जो है वो लास्ट में उस साइड पे है। तो चलें जी, मैं पहले दुआ शा कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। इससे मिल के आते हैं ना तो मुझे जुताई बहुत अंदर ही अंदर जो है ना वो खाती है। तो फिर मेरा दिल ना यूँ कह रहा है, माँ बाप की जुताई जो है ना बहुत ही बड़ी जुताई है। अल्लाह पाक जो है ना वो मेरी मम्मी को जो ना कल सब दोस्त में अल्लाह मुस्कान दें। तो थोड़ी सी सैड हो गई हूँ जी, अभी मिलूँगी इंशाल्लाह, फुल रेडी हो गई आपको। मेरी पिछली इस साल की ईद पे जो है ना अम्मी हमारे साथ थी और इस साल जो है वो देखें उनसे यहाँ पे आके मिलना पड़ा। तो ये पीछे मस्जिद है जिधर नमाज़ हो रही है। हम छोटे होते थे ना तो हम अम्मी के साथ जो है ना वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते होते थे हर साल। तो इस साल भी हमने सोचा था कि हम जाएंगे, लेकिन जो है ना वो कोरोना की वजह से पता नहीं उधर लेडीज़ नमाज़ के लिए जगह है वहाँ पे या नहीं, तो ये सोच के हम नहीं गए। वरना हम अम्मी हमें ना हर साल वहाँ पे लाजमी लेके जाती थी उधर, उसका उधर हम ईद की नमाज़ अदा करते। मतलब बहुत मज़ा आता था वहाँ पे, इतना रश होता था, बहुत मज़ा आता था वहाँ पे ईद की नमाज़। पता लगता था कि ईद हुई है। अभी आजकल तो ईदों का पता ही नहीं चलता ना, जब हम वहाँ पे जाते थे ना तो ऐसे वहाँ पे पता चलता था कि ईदें हुई हैं। सुबह सुबह हमने रेडी हो जाना और अम्मी के साथ जाना वो नमाज़ पढ़ने जाना उधर ही। तो हमसे थोड़ी सी दूर थी तो हम फिर नमाज़ पढ़ के वहाँ पे आते थे। तो ठीक है जी, अभी ये यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे थोड़ी देर के बाद जो है ना फुल रेडी होके आपसे मिलूँगी। ओके, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक करो जल्दी से। ईद मुबारक।
उम्मे फुल रेडी हो गई है जी, तो मैंने सोचा कि मैं उम्मे की तैयारी आपको दिखा दूँ। उम्मे की मेहंदी का कलर चेक करें, उम्मे का ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ जी। ये देखें जी, ये उम्मे का ड्रेस और ये उम्मे, और उम्मे ने अभी बाल किए हैं रोल। उम्मे बैठो एक मिनट बैठो। ये देखें जी, उम्मे ने बाल जो है ना वो रोल किए हैं। उम्मे ने माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। आप लोगों ने भी बताना है, आप लोगों ने भी बताना है कि उम्मे कैसे तैयार हुई है। उम्मे ने अपना मेकअप भी खुद किया है, लिपस्टिक भी उम्मे ने, कुछ भी उम्मे ने मेरे से नहीं करवाया आज। सारा जो है ना वो उम्मे ने अपना मेकअप, अपना गेटअप सेटअप सारा कुछ उम्मे ने दिया। लाइनर नहीं लगाया तो बहुत प्यारी लग रही हो। बाल जो है उम्मे की मम्मा ने रोल किए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मेकअप उम्मे आइज नीचे करो। देखें जी, उम्मे ने मेकअप अपना खुद किया है। और अभी दरअसल थोड़ा सा नाराज़ बैठी हुई थी कि उम्मे की जो आपी है ना वो नहीं आई है अभी तक, तो बस उसके इंतज़ार में मूड ऑफ सा था। तो मैंने दो तीन तस्वीरें बनाई हैं, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी जिसमें उम्मे का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। तो मैंने उम्मे का मूड थोड़ा सा फ्रेश किया, मैंने बोला चलो आओ जी हम अपनी वीडियो बनाते हैं और सबसे पूछते हैं कि उम्मे कैसी लग रही है। उम्मे का ड्रेस देखें जी, तो अभी कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि उम्मे कैसी लग रही है। उम्मे एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक कर लो और फिर मिलते हैं, मैं तैयार होकर आपसे मिलूँगी। ऊंचा सा ईद मुबारक, मूड तो सही करो ना, स्माइल स्माइल। बाय 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 कर दो, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय। अभी मैं बना लूँ मुझे जेली, पानी मैंने रख दिया है, थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो अभी पानी बॉयल हो गया, अभी मैं ये सारा बीच में ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से चलाऊँगी। इधर कोरमा बन रहा है, इधर कोरमा बन रहा है जी, और इधर जो है वो जल्दी तैयार होगी। अच्छा जी, इसको अगर अच्छे से बनाना है ना तो ये इसको ना स्टील के बर्तन में आप अगर ठंडा करने के लिए रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छी सी जो है ना वो जल्दी तैयार होगी। चेक करें जी, अभी ये चेक करते हैं कैसी बनी है, फिर इसको करते हैं बंद। यम्मी यम्मी, कितनी प्यारी बनी है। ये ले आपको चेक कराती हूँ जी, ये देखें यम्मी यम्मी। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले सम्मी व्लॉग चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपनी ईद की थोड़ी सी बातें शेयर की जाएं, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। मेरी तो भाई बहुत ही बोर गुजर रही है। दिन के दो एक डेढ़ का टाइम हो गया है, लेकिन बस अभी मैं उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और साथ में थोड़ा सा मैंने कहा कि आप लोगों को अपनी ईद मुबारक कह दूँ। तो उम्मे की तैयारी आपने देख ली है, उम्मे जो है ना वो तैयार होके आराम से सो गए, क्योंकि रात में आपको मैंने बताया था कि हम काफ़ी लेट जो है वो फारिग हुए थे, तो रात में भी नहीं सो सके, तकरीबन घंटा डेढ़ ही सोए हैं। फिर सुबह उठ गए हैं, कब्रिस्तान गए हैं, उसके बाद घर पे ही बस खाना पीना और कुछ भी नहीं। तो उम्मे बड़ी थकी हुई थी तो वो सो गई है। तो
मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ, और आप लोगों को बस जो मेन टॉपिक था वो ईद मुबारक कहना था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ईद मुबारक कह। ठीक है, अभी मिलती हूँ उम्मे के साथ। जब उम्मे उठती है ऐसे मज़ा नहीं आ रहा वीडियो बनाने का, अभी जब उम्मे उठेगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊँगी। ये उम्मे का ना, ये उम्मे का बैंड मैंने चोरी किया हुआ है वो सो गई है, तो मैंने उठा के ना तो अपने बालों पर लगा लिया है। तो अभी उम्मे उठेगी तो फिर मिलते हैं, और आप लोग भी मुझे यहाँ नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी है। अच्छा, और आज मुझे आपसे ईदी चाहिए। ईदी में भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईदी में चाहिए मुझे एक लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। यहाँ नीचे रेड कलर का जो है ना वो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने मुझे वहाँ पर जा कर ना क्लिक कर देना है बस, और आप समझना कि मुझे आपकी तरफ से ना ईदी मिल गई है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो सिर्फ ना ऐसे लाइक का जो आ रहा है ना थंबनेल उस पर लाइक कर दें, और एक जो है ना वो आपने मुझे कमेंट कर देना है। ठीक है, और बाकी जो कुछ होगा वो साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, चांद रात वाली वीडियो अगर मेरी किसी ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वो वाली वीडियो भी देखें और उस पर भी अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो उम्मीद उठती है तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बैक उम्मे उठ के आ गई है जी, उम्मे फ्रेश हो गई है। हाय मैम, मेकअप तो उतार दिया था मैंने। उम्मे ने ना सुबह जो उम्मे जो सुबह रेडी हुई थी ना वो उम्मे ने सारा कुछ उतार दिया था। और ये चाचू बैठे हैं, ये चाचू कह रहे हैं मेरी वीडियो बनाओ। चाचू बैठे हैं, हमारे चाचू कह रहे हैं मेरी वीडियो बनाओ। चाचू कस्टर्ड खा रहे हैं और जैली खा रहे हैं जो अभी अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आज ना मैंने, चाचू ने, उम्मे ने एक जैसा कलर पहना हुआ है, ये देखें ये देखें जी, आज हमने ना एक जैसे कलर पहने हुए हैं। तो अच्छा जी, हमारे साथ पता क्या हुआ, इधर हमारे साथ पता क्या हुआ, इस दफा हमारे साथ बहुत बुरा है। ये पूरा सूट था, मतलब कि ये शलवार थी और ये शलवार का पीस था और ये कमीज का पीस था। दर्जी को हम देख के आए हैं ईद के दिनों में, तो दर्जी जो है ना वो बड़ा चित्र गए होते हैं, उन्होंने ना उम्मे का पूरा सूट वो वाला सी दिया और मेरा पूरा सूट ये वाला सी दिया, लेकिन फिर भी बुरे नहीं लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मेरा जो पूरा सूट है वो एक जैसा हो गया है, उम्मे का पूरा सूट जो है ना वो एक जैसा हो गया है। तो हम एक जैसी लग रही है जी, और उम्मे उठ के आ गई थी, उम्मे का मूड अभी थोड़ा सा फ्रेश हो गया है, और मैंने कहा कि चलो आओ उम्मे जो है ना वो वीडियो बनाते हैं। और उम्मे आपने मुझे बताया नहीं कि आपको ईदी किस किसने दी है और आपकी ईदी कितनी हुई है। अच्छा जी, तो उम्मे बताने लगी कि उम्मे को ईदी किस किसने दी, उम्मे बताओ। मेरे मामू ने मुझे दी है, और मेरे नाना बू ने, मेरी हाला ने, मेरी नाना ने, मेरी मामा ने, और मेरे नाना ने। और ईदी हुई कितनी है? 4000। मेरे पास 4000 ईदी हुई है जी, और मुझे सिर्फ चाचू ने 500 रुपया ईदी दिया और किसी ने भी नहीं दी। उम्मे ने भी, उम्मे ने भी नहीं मुझे दी दी और किसी ने भी नहीं दिया, सिर्फ मेरी अम्मी होती थी ना तो वो मुझे भी देती थी, पर इस दफा मेरी खाला ने मुझे ईदी नहीं दी है। अच्छा, ये जुमला मैंने पता क्यों बोला है, क्योंकि खाला पीछे बैठी हुई है। तो बस जी, हमने आज का ईद का दिन जो है वो इसी तरह से घर पे एंजॉय किया, और मैं और उम्मे दोनों कैसी लग रही है अभी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, और मुझे चूड़ियाँ पसंद नहीं है, कमेंट्स में बताना है, और साथ में ये बताना है जी कि आप लोगों की कैसी गुजरी है। तो जो हमारे सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और यूट्यूबर, मीन के यूट्यूबर जो हमारे फैमिली है, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो सबको ईद मुबारक, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये वैसे मैंने ना 4-5 दफा इस वीडियो में, तो मैंने ईद मुबारक कोई 5-6 दफा कह दिया है। और ये वाली तो हमने आज दरअसल हम कहीं भी गए हैं, कल इंशाल्लाह हम कहीं जाएंगे कजन्स के घर, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो कौन सा सूट पहन के जाती हूँ। अच्छा जी, उम्मे ने अपना ना अभी दूसरा सूट चेंज कर लिया, सुबह के टाइम बहुत चुप रहा था। हाँ, वो दूसरा पहना हुआ था और अभी दूसरा पहना हुआ है, कल उम्मे दूसरा पहनेगी जी। तो चलें जी, इसके साथ ही अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो को एडिट भी करना है और एडिट करने में घंटा लग जाता है, फिर घंटा जो है वो अपलोड होने में लग जाता है, यानी कि ये वीडियो जो है वो आपको तकरीबन 7-8 बजे मिलेगी।
तो इसके साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखना और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ईदी तो बनती है ना फिर मेरी है ना भाई, किसी ने ईदी नहीं दी, आपने मुझे ईदी देनी है, ठीक है? तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है जी, जाना चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अरानी के बाद।